तो हेलो गाइस, वेलकम बैक है आपका अगली क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग के बारे में। तो फ्रॉग का रेस्पिरेशन भी सेम है, सेम ह्यूमन जैसा होता है, बट फ्रॉग में रेस्पिरेशन टू टाइप से होता है, एक होता है लैंड पर, एक होता है वाटर में। इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्विटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो वाटर में स्किन से होता है, वाटर में होता है स्किन से। और ये किस प्रोसेस से होता है? बाय डिफ्यूजन। वाटर में रेस्पिरेशन होता है थ्रू स्किन एंड प्रोसेस नेम इज डिफ्यूजन। और लैंड पर होता है वक्कल कैविटी और स्किन और लंग्स से, विच एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और जो रेस्पिरेशन बाय लंग्स होता है वो होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स जो होते हैं वो एलोंगेटेड पेयर में होते हैं, पिंक कलर में होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और प्रेजेंट होते हैं अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन में, यानी कि थॉरेक्स पर, जिसमें एयर जाती है थ्रू नोस्ट्रिल इनटू बक्कल कैविटी एंड देन टू लंग्स। तो जो एयर होती है वो नोस्ट्रिल से होकर बक्कल कैविटी में जाती है और फिर जाती है लंग्स में। ड्यूरिंग समर स्लीप यानी कि एस्टिबेशन और विंटर स्लीप और हाइबरनेशन, गैसेस एक्सचेंज होता है स्किन के थ्रू। तो ये हमारा हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ अब हम इसके बारे में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम बाय ग्राफ बनाकर लिखेंगे, मतलब नाउ राइट डाउन रेस्पिरेशन। इसमें इस साइड लिखेंगे इन वाटर, इस साइड लिखेंगे ऑन लैंड एरिया। इन वाटर में रेस्पिरेशन होता है स्किन, ब्रैकेट में लिखेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन होता है, स्किन में होता है बाय डिफ्यूजन। अब ऑन लैंड एरिया में लिखेंगे बाय बक्कल कैविटी स्किन, स्किन में होता है ड्यूरिंग एस्टिवेशन, ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड ऑल्सो इन लंग्स, ब्रैकेट में पल्मोनरी। तो अब रेस्पिरेटरी सिस्टम बस यहीं तक था, इतने में सब कवर हो गया है हमारा। देन अब आते हैं हम सर्कुलर सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जैसा कि हमको पता है कि फ्रॉग होता है थ्री चैम्बर्ड, फ्रॉग के पास होता है थ्री चैम्बर हार्ट, जिसमें होते हैं दो ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल, टू ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। और इसके साथ साथ इनमें होता है एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस। साइनस वेनोसस जो होता है वो ओपन होता है राइट ऑरिकल में और जो रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम वेना कावा, जिसे मेजर वेन्स भी कहते हैं। और जो कोनस आर्टेरियोसस होता है वो लोकेटेड होता है वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट पर, और ये क्या काम करता है? वेंट्रिकल को जोड़ने का काम करता है। तो अब जो होता है यहाँ से स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है बिटवीन द लिवर एंड इंटेस्टाइन, यानी कि लिवर और इंटेस्टाइन को कनेक्ट करने का जो काम होता है
वो होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में। देन किडनी और लोअर पास को कनेक्ट करने का जो काम होता है वो होता है रीनल पोर्टल सिस्टम में। देन द ब्लड इज कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड सेल। तो ब्लड में प्लाज्मा और सेल होते हैं। द ब्लड सेल आर RBC और एरिथ्रोसाइट, WBC और ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट। RBCs आर न्यूक्लिएटेड एंड कंटेन रेड पिगमेंट कलर। तो RBCs जो होती हैं वो न्यूक्लिएटेड होती हैं एंड कंटेन करते हैं रेड पिगमेंट नेमली कॉल हीमोग्लोबिन। अगर ये हीमोग्लोबिन है तो इसका सेप होगा बाय कॉन्वेक्स। तो ये बात हुई हमारी ब्लड की। अब बात करते हैं हम लिम्फ की। तो द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, इट लैक फ्यू प्रोटीन्स एंड RBCs। मतलब इसमें प्रोटीन और RBCs नहीं होते हैं, मतलब कम होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स गैसेस वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइट्स ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट। तो ये हुआ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ से। तो नाउ अब हम हेडिंग डालेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इज राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट। फ्रॉग कंटेन थ्री चैम्बर्ड हार्ट विथ टू एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, दैट इज साइनस वेनोसस एंड कॉनस आर्टेरियोसस। नेक्स्ट पॉइंट, साइनस वेनोसस ओपन इन टू राइट ऑरिकल एंड रिसीव ब्लड थ्रू वेना कावा। देन नेक्स्ट पॉइंट, कॉनस आर्टेरियोसस लोकेटेड ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ हार्ट एंड जॉइंट द वेंट्रिकल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉग कंटेन, इसमें फर्स्ट लिखेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, डैश लगा के, विच कनेक्ट इंटेस्टाइन टू लिवर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रीनल पोर्टल सिस्टम, इसमें ये सेकंड है रीनल पोर्टल सिस्टम, इसमें लिखेंगे डैश लगा के, विच कनेक्ट लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू किडनी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इन फ्रॉग RBCs आर न्यूक्लिएटेड एंड बाय कॉन्वेक्स इन शेप। तो ये हमारा हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।